नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आम आदमी के लिए राजनीति कर रहे हैं। बता दें, पिछले महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि अब जब लोकसभा चुनाव में 1.25 साल का वक्त बचा है, ऐसे में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष के चेहरे होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। खड़गे और कमलनाथ के बयानों से ये साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर अपना दावा पुरजोर ढंग से सामने रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये यात्रा एक नदी की तरह है जो जीवित है, जिसकी एक आवाज़ है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मुझ पर आक्रमण करते हैं तो हमें अपनी विचारधारा ज़्यादा समझ आती है। एक तरह से मैं उनको गुरु मानता हूं, क्योंकि उनसे मैं सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा, ये यात्रा दिल्ली तक पहुंची, बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी तक बहुत सफल यात्रा रही, हमने सोचा भी नहीं था उससे अधिक इस यात्रा ने अचीव कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यूपी में अखिलेश यादव और मायावती की यात्रा में शामिल नहीं होने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि विपक्ष के सभी नेता हमारे साथ खड़े हैं, वो साफ तौर पर हमें मालूम है। आज के हिंदुस्तान में कुछ बाध्यताएँ होती हैं और भारत जोड़ने के लिए सभी रास्ते खुले हैं और वो यात्रा में आ सकते हैं। विचारधारा में समानता होती है, हिंसा नफरत में समानता नहीं होती है। अखिलेश जी, मायावती जी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते। अखिलेश हैं, मायावती हैं, वो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, रिश्ता तो है उनके साथ भारत को जोड़ने का। गौरतलब है कि भारत जोड़ यात्रा उत्तर प्रदेश से भी गुजरने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम उनके पिताजी से भी नहीं डरते, उनकी नाक के नीचे हमने उन्हीं की पार्टी के 50 विधायकों के साथ राज्य में सरकार बनाई। उन्होंने कहा था कि मुंबई जलेगी, लेकिन एक माचिस की तीली तक नहीं जली। फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उनसे डरती है और ना ही उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से डरती है। बता दें, आदित्य ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार 32 साल के एक युवक से डर गई है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी गृहमंत्री अमित शाह ने जमीनी स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज कर्नाटक में अमित शाह ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और अन्य पार्टी नेता जैसे राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक, गृहमंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि भी मौजूद रहे। भाजपा पुराने मैसूर क्षेत्र में पैठ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जो जनता दल सेकुलर और कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बीजेपी को लेकर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में जब उनसे गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एक राज्य में हुए चुनावों के परिणाम के आधार पर आप ना तो पूरे देश के मूड का अनुमान लगा सकते हैं और ना ही लगाना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में गेम के रूल्स अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही स्टालिन ने तमिलनाडु में बीजेपी को लेकर कहा कि भाजपा ने क्षेत्रीय सहयोगियों की पीठ पर सवार होकर अतीत में और पिछले राज्य के चुनावों में विधानसभा सीटें जीती हैं, बीजेपी अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई। आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि 23 दिसंबर तक के सप्ताह में गिरकर ये 562.81 अरब डॉलर हो गया, जबकि 16 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का भंडार 563.50 अरब डॉलर था। बता दें, कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार इस साल लगातार गिरा है, वो इस साल की शुरुआत में 632.7 बिलियन था। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत के आरोप के बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने नई दिल्ली के पास स्थित इस दवा कंपनी में उत्पादन रोक दिया है। बता दें, उज्बेकिस्तान ने इस सप्ताह कहा था कि मैरियन बायोटेक के डॉक वन मैक्स सिरप के सेवन से दक्षिण पूर्वी शहर समरकंद में कम से कम 18 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद WHO ने उज्बेकिस्तान को जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि उनके सीधे तौर पर अभी इस मामले में उज्बेकिस्तान से बात नहीं हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।